If the well goes dry. हेलो एवरीवन, मैं शिवम कुमार लोटसवे आज आपके बीच एक चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो मैंने लिया है इंग्लिश बुक जो कि 12th एमपी बोर्ड में ये बुक है जिसका चैप्टर नंबर 6 इफ द वेल गोज ड्राई। यह चैप्टर आज हम स्टडी करेंगे और मैं इसे आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस जो चैप्टर है इसके जो राइटर हैं उनका नाम है एल्बर्ट गोरे। यह एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़कर। एल गोरे बॉर्न 1948 वॉज द 45th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सर्विंग इन द कैपेसिटी फ्रॉम 1993 to 2001। तो एल गोरे जी जो हैं इनका जो जन्म है वो हुआ था 1948 में और ये वाइस प्रेसिडेंट रहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 45th वाइस प्रेसिडेंट ये वहाँ के रहे और इन्होंने अपनी कंट्री को सर्व किया 1993 to 2001 के बीच इन्होंने अपना कार्यकाल वहाँ पर रहा उनका। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू ग्रास्प द सीरियसनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इनके बारे में कहा गया है कि वह ऐसे प्रथम श्रेणी के नेता थे, ऐसे प्रथम श्रेणी के पॉलिटिशियन थे जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पर्यावरण वातावरण में जो बदलाव है उसके ऊपर एक गंभीरता दिखाई। ही कॉल्ड फॉर रिडक्शन इन एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस और उन्होंने जो रिडक्शन इन एमिशन के मतलब जो गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचाती है इनको कम करने का उन्होंने प्रयास किया और इनको कम करना चाहा। गोरे वॉज अवॉर्डेड द 2007 नोबेल पीस प्राइज विच वॉज शेयर्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो गोरे हैं वाइस प्रेसिडेंट एल्बर्ट गोरे उनको अवार्ड मिला था 2007 में नोबेल पीस प्राइज। यह एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है जो एल्बर्ट गोरे को मिला लेकिन उन्होंने ये अवार्ड अपना शेयर किया था। यह 2007 का नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दो लोगों के द्वारा शेयर किया गया था। पहले तो थे रॉबर्ट एल्बर्ट गोरे और दूसरे थे जो इंटर गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि क्लाइमेट चेंज को देखती है। एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। यह एक ऐसा पैनल है जो पर्यावरण परिवर्तन और इसकी समस्याओं को देखता है और जिसके हेड थे उस समय राजेंद्र के पचौरी जो कि इंडिया के थे। यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज जो राजेंद्र की पचौरी एक इंडिया के सदस्य हैं वह उस कमेटी को हेड कर रहे थे और 2007 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। द अवार्ड वॉज गिवन ऑन 12th of October 2007। तो यह जो अवार्ड था उसकी एग्जैक्ट डेट यहाँ नीचे दी हुई है। वो उन्हें अवार्ड मिला था 12 अक्टूबर 2007 में यह उन्हें अवार्ड मिला फॉर देयर एफर्ट्स टू बिल्ड अप एंड डिसमिनेट ग्रेटर नॉलेज फॉर अबाउट मैन मेड क्लाइमेट चेंज एंड ले द फाउंडेशन ऑफ मेजर्स दैट आर नीडेड टू काउंटरेक्ट सच चेंज। तो आगे इसमें कहा गया है यहाँ पे एक शब्द आ रहा है डिसेमिनेट इसका मतलब होता है प्रचार प्रसार। तो एल्बर्ट गोरे हैं और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जो पर्यावरण के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर किया, लोगों को अवेयर किया और एक नॉलेज इकट्ठा किया और लोगों को बताए कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है और इसकी एक फाउंडेशन रखी ताकि हम आने वाले जो पर्यावरण पर जो संकट है उस पर काउंटरेक्ट कर सके यानी कि रोकथाम कर सके ताकि ऐसे चेंजेस आगे ना आए। आगे आपको एक ब्लू बॉक्स दिख रहा होगा
बेसिकली इस ब्लू बॉक्स में एक शॉर्ट समरी होती है जो चैप्टर के बारे में दी गई होती है। आइए हम इसे एक बार पढ़ लें। ऑल मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर्ड ह्यूमन बॉडी टू बी मेड ऑफ वाटर एंड अर्थ, ईच मेजर कंपोनेंट इज वाटर। तो इस ब्लू बॉक्स में कहा गया है कि दुनिया के जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदूज हो, ज्यूस हो, या यहूदी हो, या इस्लाम हो, दुनिया के जितने भी बड़े रिलीजन्स हैं वह और ह्यूमन जो बॉडी है और जो इंसानी शरीर है वह कहीं ना कहीं दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जो कि पहला तो है पानी वाटर और दूसरा है अर्थ, यानी कि जल और माटी से यह शरीर बना हुआ है और जिसकी चीज़ें हमें हर रिलीजन में देखने और सुनने के लिए मिलती है। और अर्थ के ये दो मेजर कंपोनेंट भी हैं, वाटर और अर्थ। जो वाटर और जो मिट्टी है वो अर्थ के मेजर कंपोनेंट्स भी हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ ट्रू ऑफ ह्यूमन बीइंग टू। विदाउट वाटर एनी फॉर्म दैट वी नो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग कैन नॉट एग्जिस्ट। आगे वाली लाइन में ये कहा गया है कि यह संभव ही नहीं है कि ह्यूमन लाइफ या किसी भी तरह की जिंदगी बिना पानी के और बिना अर्थ के इन मेजर कंपोनेंट के पॉसिबल हो सके। बिना पानी के और बिना माटी के जीवन संभव नहीं है, ये इसमें बताया गया है। एंड टू सर्वाइव वी नीड फ्रेश वाटर, और हमें जीने के लिए शुद्ध और अच्छा पानी चाहिए होगा। इन द एक्सर्ट द ऑथर आइडेंटिफाइज फाइव मेजर थ्रेट्स टू द ग्लोबल वाटर सिस्टम। और इसी को बताते हुए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश, ठीक है। इन दिस एक्सर्ट यानी कि इस भाग में, इस अंश में ऑथर जो हैं एल्बर्ट गोरे, उन्होंने पांच मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो थ्रेट्स हैं, उनके बारे में पूरे विश्व को अपने इस जो लेख में, ये ऐसे टाइप एक लेख है, इसमें उन्होंने बताया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई, द राइज ऑफ सी लेवल्स रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ लो लेइंग कोस्टल एरियाज, वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड द प्रेशर ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आगे इन्होंने पांच जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बताया। सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि शुद्ध पानी का कैसे बंटवारा हो रहा है। आज कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे शुद्ध और साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जो सी लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता है, जिसकी वजह से हम जो हमारे कोस्टल एरिया हैं यानी कि तटवर्ती इलाकों हमने आज खो दिए, और आधे से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो तटवर्ती इलाके में रहती है, जो कि सी लेवल के बढ़ने से आज हम उस लैंड को भी खोते जा रहे हैं। वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन यानी कि बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई भी इसका एक मुख्य कारण है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अदर प्रेशर ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, और पानी का जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नदियां हो गई और भी जो जल से तालाब हो गए, ये सभी हमने कंटेमिनेट कर दिए। कंटेमिनेट का मतलब होता है ख़राब कर दिए हैं, उन्हें दूषित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो कि एक बहुत बड़ा कारण है आज की जो क्लाइमेट चेंज का है और जो प्रॉब्लम हो रही है। ह्यूमन बीइंग आर मेड अप मोस्टली ऑफ वाटर। अब नीचे वाला हम एक बार पैराग्राफ स्टडी कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग आर मेड अप मोस्टली ऑफ वाटर एंड रफली द सेम परसेंटेज एज वाटर इज इट टू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस लाइन में कहा गया है कि ह्यूमन मेड मोस्टली अप ऑफ वाटर, यानी कि जो मनुष्य शरीर है वह बहुत बड़ी मात्रा में पानी का ही एक हिस्सा है, और सिर्फ पानी का एक हिस्सा है, उतने ही हिस्से से मनुष्य का शरीर बना हुआ है जितना पानी अर्थ की सरफेस पे है। बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो 70% वाटर से कहीं ना कहीं बनी हुई है, और इतना ही वाटर अर्थ की सरफेस पे भी मौजूद है।
Our tissue and membrane, our brain and heart, our sweat and tears all reflect the same recipe for life. आगे ये एक आप कह सकते हैं एक rhyming कुछ words हैं जिन्होंने एल्बर्ट गोरे ने जो एक्सप्लेन किया है अवर टिश्यू एंड मेम्ब्रेन अवर ब्रेन एंड हार्ट अवर स्वीट एंड टीयर तो जो कोशिकाएं हैं या जो हमारा दिमाग है या दिल है हमारे हमारे आँखों से बहता आंसू है या हम शरीर से आता पसीना यह सब भी एक ही विधि को जीवन की एक ही विधि को दर्शाते हैं जो कि है पानी पानी से ही हमारे जो कोशिकाएं हैं वह जीवित हैं हमारे ब्रेन में भी बहुत सारा वाटर है और हार्ट में भी ब्लड में भी हर ह्यूमन बॉडी में वाटर भरपूर मात्रा में है हमारे आंसू हो या पसीने हर चीज़ में हमें वाटर मिलता है और यही जीवन के हर आपको जहाँ जहाँ आपको जीवन दिखेगा वहाँ पर आपको यह सब मिलेगा ही मिलेगा जिस प्रकार खाने के लिए एक विधि होती है उसी प्रकार जीवन के लिए विधि बहुत ज़रूरी है जिसमें पानी अगर ना हो तो विधि रेसिपी बनेगी ही नहीं आगे पढ़ते हैं इन विच इफ़िशेंट यूज़ इज़ मेड टू दोज इंग्रेडिएंट अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी आर 25% ऑफ कार्बन 2.6% ऑफ नाइट्रोजन 1.4% ऑफ कैल्शियम एंड 1.1% ऑफ फॉस्फोरस एंड टाइनी अमाउंट ऑफ रफली 3 dozen अदर एलिमेंट तो आगे उन्होंने कहा है कि जो रेसिपी है जो खाने बनाने की विधि है उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो इंग्रेडिएंट हैं उनमें इंग्रेडिएंट है उनमें जो तत्व हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है आगे वह कहते हैं कि 23% हमारे एटमॉस्फेयर और सब जगह कार्बन है 2.6% नाइट्रोजन है 1.4% हमारे बीच कैल्शियम है और 1.1% फॉस्फोरस है और कुछ मात्रा में अदर एलिमेंट्स भी हैं और भी जो अदर एलिमेंट्स हैं इनको छोड़कर वह भी हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारे बीच में हैं बट अबव ऑल वी हैव ऑक्सीजन 61% एंड हाइड्रोजन 10% पर इस सभी को छोड़कर हमारे पास जो अधिक मात्रा में वह है ऑक्सीजन 61% में है और हाइड्रोजन 10% में आगे कहते हैं कि फ्यूज्ड टुगेदर इन द यूनिक मॉलिकुलर कॉम्बिनेशन नोन एज वाटर इन विच मेक्स अप 71% ऑफ ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी की बात हो रही थी और जो एलिमेंट्स मैंने अभी पढ़े वह ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन उसमें 61% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन इस मात्रा में इस मॉलिकुलर फॉर्मूले में इस प्रकार से सम्मिलित है इस प्रकार से मिश्रित है कि जो एक अद्वितीय और अपूर्ण एक जो कॉम्बिनेशन बनाता है वह है वाटर और वही है जीवन में अगर कहीं पे भी जीवन अगर पॉसिबल है तो उसके लिए सबसे पहला जो ज़रूरी वह है वाटर का होना बहुत ज़रूरी है तो ये था फर्स्ट पैरा आइए नेक्स्ट पैरा को स्टडी कर लेते हैं सो व्हेन एनवायरमेंटलिस्ट एसर्ट्स दैट वी आर आफ्टर ऑल पार्ट ऑफ अर्थ इट इज़ नो मोर रिटोरिकल फ्लॉरिश आगे कहते हैं कि जो आज के जो एनवायरमेंटलिस्ट है जो पर्यावरणविद हैं वह इस बात पर बहुत ही जोर देते हैं कि अर्थ का हर पार्ट में वाटर सम्मिलित हो और अर्थ का हर पार्ट अच्छा हो यहाँ रिटोरिकल फ्लॉरिश का जो एक जो शब्द दिया हुआ है वहाँ इसका मीनिंग मैं आपको बता दूँ रिटोरिकल फ्लॉरिश का मीनिंग होता है अ स्टाइल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड परस्यूसिवली तो आप ग्लॉसरी में जाके भी इसका मीनिंग देख सकते हैं आवर ब्लड इवन कंटेन रफली द सेम परसेंटेज ऑफ सॉल्ट एज द ओशन where the first form evolved तो आगे कहा गया है कि जिस प्रकार हमारे खून में नमक की मात्रा मिली हुई है ठीक यह उसी प्रकार है जो कि समुद्र में नमक की मात्रा है यानी हमारे ब्लड में जितनी मात्रा में नमक का जो परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज कुछ ओशन में ही हमें सेम देखने के लिए मिलता है
they eventually brought on the land of self-contained store of seawater, which we are still connected chemically and biologically. तो आगे कहते हैं they eventually brought on the land and self-contained store of sea water. तो उसमें कहा गया है कि आखिरकार जो हमें जो जो लैंड है और या फिर जो सी का जो वाटर है, सभी जगह हमें ये केमिकली और बायोलॉजिकली हम कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं. यानी हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि ओशन से मिलती है, और कहीं ना कहीं हम केमिकली और बायोलॉजिकली हम पूरी प्रकृति से जुड़े हुए हैं. आगे पढ़ता हूँ. लिटिल वंडर देन वाटर कैरीज सच ग्रेट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन मोस्ट रिलीजियस. फ्रॉम द वाटर ऑफ क्रिश्चियन बैप्टिज्म टू हिंदू सेक्रीफाइड वाटर ऑफ लाइफ. तो बेसिकली इस लाइन में जो वाटर का जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्वता है, उसके बारे में बताया गया है. तो उसमें कहा गया है कि वाटर में बहुत सारे बहुत अच्छे तत्व हैं जो जीवन को बनाए रखने के लिए कारगर हैं. इसीलिए वाटर को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है, और दुनिया के हर रिलीजन में हमें इसके बारे में सुनने के लिए मिलता है. जिस प्रकार क्रिश्चियन में बैप्टिज्म होता है, क्रिश्चियन का बैप्टिज्म वो होता है, बैप्टिज्म का मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है, तो उसे पानी में एक बार डाला जाता है, तो वो पानी बहुत प्योर माना जाता है. यही कारण है कि उसको हर रिलीजन में बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है. हिंदू में भी वाटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट पैरा में कहा गया है वी डिपेंड स्पेशली ऑन फ्रेश वाटर विच इज़ ओनली 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ. तो आगे कहा गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है और हम सभी कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं शुद्ध पानी के ऊपर, जो कि पूरे अर्थ पर मात्र 2.5% ही उपलब्ध है. मोस्ट ऑफ दैट इज लॉक्ड अवे एज आइस इन अंटार्कटिका एंड टू लेसर एक्सटेंट इन ग्रीनलैंड. आगे कहा गया है कि जो 2.5% वाटर है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अंटार्कटिका में जो बर्फ़ जमी हुई है उसमें उपलब्ध है, और ग्रीनलैंड में जो आइस केप्स हैं और जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उनमें यह पानी इकट्ठा है, सम्मिलित है. इसका मतलब यह है कि 2.5% वाटर तो है लेकिन वो वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते. एंड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स में भी यह पानी हमें मिलता है. ग्राउंड वाटर मेक्स अप मोस्ट ऑफ वाटर रिमेन लीविंग लेस देन 0.1% फॉर ऑल लेक्स क्रीक्स स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड रेनफॉल. तो आखिरकार हमारे पास जो पानी बच जाता है वो ग्राउंड वाटर ही बच जाता है. जो जो बहता हुआ पानी है या जो रुका हुआ पानी है जो हमें यूज़ कर सकते हैं, वह पानी बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 0.01% मात्रा में ही उपलब्ध है, जो कि हमें मिलता है तालाबों से. यहाँ पे एक शब्द आ रहा है क्रीक्स का. मैं आपको मतलब बता दूँ, क्रीक्स का मतलब होता है खाड़ियाँ. मतलब जैसे खंबात की खाड़ी हो गया या फिर गंगा की खाड़ी हो गई. खाड़ी मतलब जहाँ पे नदी और समुद्र मिलते हैं उसे हम खाड़ी कहते हैं. स्ट्रीम्स यानी कि नदी की धाराएं और रिवर्स नदियाँ और रेनफॉल्स झरने और भी कहीं जो सोर्सेस है उससे हमें पानी मिलता है. दिस स्टिल लीव्स मोर देन इनफ वाटर टू मीट ऑल अवर नीड्स. और यह पानी इतना पर्याप्त मात्रा में 0.01 पानी भी इतना पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध है कि आज हम अपनी ज़रूरतों को पूरा आसानी से कर लेते हैं. बट नाउ एंड इन द फॉर्सिबल फ्यूचर का यहाँ पे एक मतलब है. तो ये जो फॉर्सिबल फ्यूचर का मतलब होता है वह होता है कि आने वाले जो भविष्य है, जो निकट जो भविष्य है. फॉर्सिबल का मतलब होता है निकट, यानी कि आने वाले भविष्य में हमें पानी से बड़ी कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी. बट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेडली अनइवनली थ्रू आउट द वर्ल्ड. और ये जो 0.01 जो परसेंट ये जो वाटर है, ये पानी तो है और हमारी नीड्स को भी पूरा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब
अलग अलग मात्रा में कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं, सहारा रेगिस्तान है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें होती है। एज अ रिज़ल्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड टू मोर और लेस द सेम जियोग्राफिकल पैटर्न दैट कन्फर्म द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर अराउंड द प्लैनेट। एनी लास्टिंग अल्टरेशन ऑफ द पैटर्न वुड देयरफॉर पोज स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू द ग्लोबल सिविलाइजेशन एज वी नो इट। तो बेसिकली आगे यही बताया गया है कि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, जो मानव सभ्यता है, उसमें उसका जो पानी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो जियोग्राफिकल पैटर्न है, और वह सभी जगह अलग अलग है। जियोग्राफिकल पैटर्न की वजह से आज हमें हर जगह अलग अलग पानी, कहीं पानी बहुत ज़्यादा मिलता है तो कहीं पानी बहुत कम मिलता है। हमें इस नीड को समझना होगा कि कहाँ हम इस पानी को स्टोर करके रख सकें और कहाँ पानी का वेस्टेज रोक सकें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम पानी का राइटफुल यूज़ कर सकें। और इसके ऊपर हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी पूरे मानव सभ्यता को, पूरे विश्व सभ्यता को, ताकि हम आगे पानी को अच्छे से सेव कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था लगभग हाफ पार्ट हमने आज कवर कर लिया है, और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो जिसमें मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको चैप्टर कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस और बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। थैंक यू।